आकाश से बिजली चार्ज डिफरेंस की वजह से गिरती है, पर जमीन के पास ये चार्ज कहाँ से आया? बादल से गिरती हुई पानी की बूंदें लगातार टूटकर हवा से टकराने के बाद विपरीत चार्ज बनाते हुए जमीन पर लाती हैं। पर जब बारिश सभी जगह गिर रही है तो बिजली सभी जगह क्यों नहीं गिरती? जैसे जैसे बादल चलते हैं ठीक उसी तरह से जमीन पर इकट्ठा हुआ चार्ज भी उनके साथ चलता है, और जैसे ही बादल और जमीन के बीच अंतर घटता है तुरंत बिजली गिरती है। इसीलिए बारिश के समय ऊंचे पेड़ों के नीचे खड़ा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर विपरीत चार्ज वाले बादल आकाश में डिस्चार्ज हो जाएं तो जमीन पर जो चार्ज इकट्ठा हुआ है उसे अपने आप ही आर्क बनाकर डिस्चार्ज होना पड़ेगा, और ये आर्क पेट्रोल डिपो, रिफाइनरी और जमीन के अंदर पेट्रोल टैंक में बड़ा धमाका कर सकती है। इसीलिए ऐसी जगहों पर हर चीज को एक दूसरे से बॉन्ड कर दिया जाता है। जब ज्वलनशील गैस ले आती पाइपलाइन को रिपेयर किया जाता है तो स्टैटिक चार्ज से होने वाले धमाके से बचने के लिए दोनों पाइप को आपस में बॉन्ड करते हैं। हवा में मौजूद कुछ गैस हवा की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को कमजोर बनाती है, जिससे बचने के लिए लाइटनिंग कंडक्टर का इस्तेमाल करते हैं। लाइटनिंग कंडक्टर, इसका आविष्कार किसने किया था?